नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दो स्टॉक्स के बारे में। दोनों के क्वार्टर वन के रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीवीआर आइनोक्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में, जितने भी नंबर हम बात करें स्टैंड लोन नंबर और सारे आंकड़े जो है मिलियंस में है। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की इस क्वार्टर में, तो 1290 करोड़ का नंबर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1123 करोड़ था। कहीं ना कहीं यहाँ पे रेवेन्यू में जो है इनकम जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 983 करोड़ जो था पिछले साल की इनकम थी, तो कहीं ना कहीं वहां से भी आपको एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो आपको आती हुई दिख रही है। लेकिन एक्सपेंस किस तरीके का होता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, तो अगर आप टोटल एक्सपेंस का नंबर देखेंगे 1396 करोड़, जो कि लगभग इनकम से भी ज्यादा है। यानी कहने के एक्सपेंस जो है इनकम से ज्यादा होती दिख रही, जो कि एक नेगेटिव है। 1324 करोड़ की जो इनकम एक्सपेंस थी वो पिछले क्वार्टर में थी, और लास्ट ईयर अगर देखिए 891 करोड़ की थी। तो कहने के एक्सपेंस जो है साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बढ़ती दिख रही है, और इनकम से ज्यादा एक्सपेंस जो है वो आपको होती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे कंपनी ने 80 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 335 करोड़ का लॉस था। तो कहने के लॉस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होता हुआ दिख रहा है, 335 करोड़ से घट के 80 करोड़ हो रहा है। लेकिन अगर आप साल दर साल देखेंगे तो 58 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो वहां से प्रॉफिट घट के 80 करोड़ हो गया है, लॉस की तरफ बढ़ के। यानी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में जो है नंबर आपको आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की भी अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में ईपीएस जो है 8.18 रुपए नेगेटिव है, पिछले क्वार्टर में 51.72 रुपए नेगेटिव थी, और लास्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं तो 9.67 रुपए पॉजिटिव ईपीएस थी। लेकिन इसके साथ अब बात करते हैं दूसरे नतीजे, जो कि है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। तो ये किस तरीके के नतीजे फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, सारे जो आंकड़े वो यहाँ पे करोड़ में देखने मिल रहे हैं। और हम बात करें स्टैंड लोन नंबर की, सबसे पहले अगर टोटल इनकम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 2422 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें 2259 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने मिल रहा है कि नंबर जो है आपको अच्छे देखने मिल रहे हैं। साल दर साल देखिए 2050 करोड़ से बढ़ के 2422 करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो आपको आता हुआ कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो नंबर जो है यहाँ पे अच्छे देखने मिल रहे हैं इनकम के फ्रंट पे। एक्सपेंस कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इसकी हम बात करें तो टोटल एक्सपेंस जो है इस बार आता हुआ दिख रहा है 2043 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1987 करोड़ था, और लास्ट ईयर 1852 करोड़ का नंबर था। तो एक्सपेंस में भी जो है आपको बढ़त होती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 378 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 282 करोड़ का नंबर जो है वो आपको देखने मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर 147 करोड़ था। यानी कहने के साल दर साल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास जो है नंबर होते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें 185 करोड़ से बढ़ के 282 करोड़ का नंबर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसमें भी एक शानदार बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो नंबर जो है स्कॉट्स के शानदार देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की अगर हम बात कर ले इस क्वार्टर की, किस तरीके की ईपीएस आती हुई दिख रही है, 23.18 रुपए की ईपीएस जो है वो आपको देखने मिल रही है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में 14.27 रुपए की थी, और लास्ट ईयर अगर देख रहे हैं तो 11.38 रुपए की ईपीएस। यानी कहने के साल दर साल ईपीएस जो है प्रॉफिट के साथ साथ डबल होता हुआ दिख रहा है, और कहने के इसका इम्पैक्ट जो है फिर आपको स्टॉक प्राइस में भी दोनों के देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।